बारह ज्योतिर्लिंगों में से मैं खड़ा हूं आज ओमकारेश्वर में। मैं आज की वीडियो में मैं आपको ओमकारेश्वर के दर्शन करवाने वाला हूं, साथ आपके साथ सारी जानकारी शेयर करने वाला हूं। आप कैसे आ सकते हैं, कौन सा होटल ले सकते हैं, कितना खर्च होने वाला है, दर्शन की क्या टाइमिंग है, तो पूरी कंप्लीट डिटेल वीडियो होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए आए तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले महादेव का नाम लेते हैं और हर हर महादेव। बाकी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह है ओमकारेश्वर का मंदिर। चलिए चलते हैं और वीडियो करते हैं स्टार्ट। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच पुरी पर स्थित है। यहाँ पहुँचना बेहद ही आसान है। इसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन खंडवा और इंदौर का है। खंडवा से ओमकारेश्वर का डिस्टेंस 75 किलोमीटर का है, जिसे आप बस या टैक्सी से कर सकते हैं। यहाँ बस से आते हैं तो अप्रोक्स आपसे 100 से 150 रुपए करीब चार्ज लेगा और वहीं अगर आप पर्सनल टैक्सी करके आते हैं 1800 से 2000 के बीच में वो चार्ज ले सकता है आपसे। वहीं मैं बात करूं इंदौर से, तो इंदौर से 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है ओमकारेश्वर का, जिसे आप बस या टैक्सी से आ सकते हैं। वहीं बस वाला आपसे 150 से 200 रुपये चार्ज करने वाला है और टैक्सी से आते हैं तो टैक्सी वाला आपसे 2500 से 3000 रुपये करीब चार्ज कर सकता है। यहाँ पे अगर आप बाय एयर आते हैं तो इंदौर में एयरपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है, जहाँ सेम डिस्टेंस 80 किलोमीटर का है, जिस चांस से सेम रेट पे आप यहाँ पहुँच सकते हैं। और मैं वही बात करूँ ट्रेवल टाइम की, तो 4 से 5 घंटे में आप यहाँ पे इजिली पहुँच जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ज्यादातर लोग उज्जैन से आते हैं और उसमें से भी ज्यादातर लोग महाकालेश्वर के दर्शन करने के बाद दूसरे दिन आने का प्लान यहाँ करते हैं, क्योंकि मान्यता यह है कि अगर आप महाकालेश्वर का दर्शन करते हैं और उसके बाद अगर आप ओमकारेश्वर के दर्शन करने नहीं आते तो आपके दर्शन अधूरे माने जाते हैं। उज्जैन से ओमकारेश्वर के डिस्टेंस की तो 140 किलोमीटर के करीब लगभग डिस्टेंस है और यहाँ से बस की फैसिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है। डे ट्रिप वाली बसें चलती हैं जो कि मॉर्निंग में 8 से 9 बजे करीब चलती हैं, जो आपसे चार्ज लेते 320 रुपए नॉन एसी और 400 रुपए एसी वाली, जिसमें आपका पर पर्सन ये चार्ज होता है। जो आपको बस लेके जाती है वही आपको बस वापस लेके आती है, तो ये पूरा डे ट्रिप होता है। बस वहाँ पे 1 से 1.5 बजे करीब पहुंच जाती है और वही बस आपको शाम को 5-6 बजे करीब लाती है और 9 से 9:30 बजे यहाँ पे आप रात में इजिली पहुंच जाते हैं। अगर आप चाहें तो सिंगल भी जा सकते हैं, वन साइड का ट्रिप करके और वहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मोस्टली लोग डे ट्रिप ही करना पसंद करते हैं और रात में यहाँ पे रुकना बहुत ही कम लोग पसंद करते हैं। बट फिर भी अगर आप यहाँ पे रुकते हैं रात में तो यहाँ पे होटल और धर्मशाला की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। यहाँ पे आपको होटल 1000 से 1200 रुपए के बीच में इजीली मिल जाते हैं और वहीं अगर मैं बात करूँ धर्मशाला की, तो आपको धर्मशाला यहाँ 400 से 500 रुपए में इजिली मिल जाता है। मंदिर के दर्शन करने के लिए आपको नर्मदा नदी को पार करना होता है और उसको पार करने के लिए आप चाहें तो बाय बोट भी यूज कर सकते हैं, जो आपसे पर हेड 20 रुपये चार्ज लेगा, जो आपको मंदिर के किनारे बने घाट पे छोड़ देगा। अगर आप चाहें तो सामने बने पुल से भी आराम से जा सकते हैं। सो गाइस, थोड़ा सा ट्रैफिक मिलने के बाद अभी 3.5 घंटे में मैं फाइनली पहुंच चुका हूं ओमकारेश्वर, जिसके आप पीछे देख पा रहे हो हमारी बस भी लग चुकी है और ये इस एरिया का बस अड्डा है, जैसा कि आप पिछले वीडियो में देख पा रहे होंगे और काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और यहाँ से खड़े होकर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यूज आ रहा पहाड़ का यार अल्टीमेट व्यू से। चलिए चलते हैं और यहाँ से दोस्तों थोड़े से 10 मिनट की दूरी पर ही मंदिर है, तो आप चाहे तो यहाँ से ऑटो कर सकते हैं जो कि आपसे 10 रुपये चार्ज रहेगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट देखने को मिलते हैं, अगर आप खाना वगैरह भी यहाँ पे खा सकते हैं आप। अगर आप ऑटो करते हैं तो ऑटो वाला को यहाँ छोड़ देगा जस्ट, और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है जेपी चौक, तो यहीं से दोस्तों हम लोग को गुजरना है और यहाँ से पुल पार कर लेंगे। जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा भी हुआ है 600 मीटर पर मंदिर है, यानी 600 मीटर का जो है वो पुल होने वाला है। सो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का पूरा नज़ारा है। तो गाइस ये ब्रिज आ गया है, इसी ब्रिज पार होकर देख सामने आप देख सकते हैं आपको मंदिर दिख जाएगा। देखिए सामने मंदिर है, चलिए चलते हैं।
ये देखिए यहाँ की खूबसूरती देखिए दोस्तों, एक बार आप खूबसूरती देखिए वीडियो में। आप चाहे तो इस पुल से भी जा सकते हैं या फिर वहाँ से आप बोट में बैठ के उससे डायरेक्ट भी पहुँच सकते हैं। तो आपकी मर्जी, आप चाहें तो इस फ्लाईओवर से जाएँ या उस पुल से जाएँ। और बाकी मैं आपको एक बार सीन दिखा दूँ साइड का, देखिए कितनी खूबसूरत नज़ारा देखिए, ये देखिए और सामने डैम है देखिए। तो गाइस सामने आप माँ का ओंकारेश्वर का टेम्पल देखिए, कितना खूबसूरत लग रहा देखने में यार। यहाँ से चले चलते हैं और आपको कराते दर्शन। सो गाइस उस ब्रिज से पार होने के बाद अब हम पहुंच गए हैं नीचे साइड, और देखिए नीचे भी काफ़ी, नीचे आने के बाद अब बहुत बड़ी घनी मार्केट देखने को मिल जाएगी, जहां पे आप प्रसाद, फोटोज़ और भी काफ़ी सारे सामान हैं ले सकते हैं। देखिए ये रास्ता है मंदिर की तरफ जाने का। तो दोस्तों ये रास्ता है मंदिर की तरफ जाने का अंदर, तो चलिए चलते हैं अंदर, और अंदर अगर पॉसिबल हो तो हम कराएंगे दर्शन। बाहर ही आपको काफ़ी सारे शॉप मिल जाएंगे जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, और प्रसाद के रूप में दोस्तों आप इस तरह से आपको मिलता है, और इस तरह से पैकेट में होता है और 100 रुपये का प्रसाद होता है पूरा ये, तो इसको लेकर आप अंदर जाके इसको चढ़ा सकते हैं। बाकी अभी आप देख पा रहे होंगे लाइन यहाँ पे कितनी लाइन लगी हुई है और जाना है। दोस्तों अगर आप प्रसाद लेते हैं तो 4 बजे के बाद जो फिल्म पे बेलपत्र फूल ना रहे अभी नहीं किया जाते, जैसे कि आप इसका वॉइस आप देख पा रहे होंगे। तो 4 बजे के बाद अगर आप आते हैं तो प्रसाद ना लें, नॉर्मली एंट्री कर सकते हैं आप। सो गाइस अच्छे से दर्शन करने के बाद अब मैं आ गया हूँ नर्मदा नदी के पूजा नीचे ही, और वहाँ तो दोस्तों आना बनते ही है क्योंकि जल का छीटा ना मारा तो फिर क्या ही चीज़ है ये। तो जब भी यहाँ पे आते हैं तो जल का छीटा मारना होता है। नर्मदा नदी है उसको बहुत पवित्र माना जाता है जैसे कि आप जानते होंगे। तो हम किसी भी घाट पर जाते हैं तो वहाँ स्नान करते हैं, अगर स्नान नहीं कर सकते तो हम उस सदस्य करके हम आगे बढ़ते हैं। मैं भी जल छिड़क लेता हूँ क्योंकि मेरा स्नान का टाइम नहीं है। तो हम पहुँच चुके हैं नर्मदा नदी के जस्ट बगल में, आपको दिखा दूँगा वीडियो में बैक कैमरे से एक बार। देखिए दोस्तों यहाँ पे बोटिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, 1000 से 1200 रुपये लेते हैं जो आपको पूरे यहाँ से घुमा देते हैं। यहाँ पर एक परिक्रमा मार्ग है जो कि लगभग 7 किलोमीटर के करीब है, और अगर आप यहाँ पे डे ट्रिप ना करके पूरे दिन रुकने वाले हैं तो डेफिनेटली आप परिक्रमा करिएगा, अच्छा लगेगा आपको और काफी दुर्लभ नज़ारे देखने को मिलेंगे, आपको मन को शांति मिलेगी। और जो ये 7 किलोमीटर की परिक्रमा है ये ओम के आकार की है, अगर आप यहाँ का ड्रोन सूट या हेलीकॉप्टर सूट देखेंगे ऊपर से तो आपको पूरा ओम कार की आकृति दिखने वाली है, इसलिए इस जगह को ओम कारेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइस मैंने फाइनली दर्शन कर लिए हैं, और मुझे दर्शन करने में यहाँ से 2 से 2.5 घंटे का टाइम लगा और मेरे दर्शन काफी इजिली हो गए। और यहाँ पे आपको नॉलेज के लिए बता दूं, यहाँ पेड और फ्री दर्शन दोनों हैं, तो वो आपके ऊपर है कि आप फ्री दर्शन करना चाहते हैं या पेड दर्शन करना चाहते हैं। और पेड दर्शन के अलग अलग प्राइस हैं, पंडित लोग होते हैं बात करेंगे 200, 250, 300 में आपको दर्शन करवा देते हैं। बाकी जो पेड दर्शन है उसका सिस्टम मुझे आज तक अभी समझ में नहीं आया,
और इसमें आपके क्या राय है आप वीडियो में कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मैं क्या ही बोलूँ इसके ऊपर, बाकी जब आप यहाँ पे आएंगे जब दर्शन कर लेंगे तो दर्शन करने वाला को काफी ज्यादा सुकून मिलेगा और काफी अच्छा लगेगा। मैंने आपको ओमकारेश्वर दर्शन करवा दिए हैं, अब बारी आ गई है बजट की कि आप यहाँ पे आते हैं तो कितना खर्चा होने वाला है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपका जो ट्रांसपोर्ट खर्चा होने वाला है वो होने वाला है 150 रुपए करीब अगर आप इंदौर से आते हैं, और अगर आप उज्जैन से आते हैं तो आपका बस का किराया 400 रुपए करीब हो जाएगा। तो मैं मैक्सिमम लेकर चलता हूँ 500 रुपए किराया ट्रांसपोर्ट का हो गया आपका, और होटल से यहाँ पे आपको 500 रुपए में इजिली मिल जाएंगे, काफी अच्छे होटल मिल जाते हैं यहाँ पे 500 रुपए में, और एड ऑन कर लीजिए। और फूड और मील्स की बात रही यहाँ पे तो आपके 250 से 200 के बीच में आप इजिली आराम से फूड ले सकते हैं और आराम से आपका हो जाएगा। बाकी इसको भी मैं एक्स्ट्रा लेके चल लेता हूँ, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा खाने को मिल करता है तो 500 रुपए, तो जो टोटल ओवरऑल खर्चा होगा हमारा मैक्सिमम 1500 से ऊपर नहीं होने वाला। बाकी मैं इसमें होटल खर्चा जोड़ रहा हूँ, तो अगर आप डे ट्रिप आएंगे तो होटल खर्चा हटा दीजिए, तो आपका 700-800 रुपए में इजिली यहाँ पे पूरा एक बजट टूर हो सकता है। और बाकी कोई कन्फ्यूजन आपको इस वीडियो में या कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आप वीडियो में कमेंट करना या मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर देना, मैं आपको कमेंट का मैसेज का डेफिनेटली रिप्लाई देने वाला हूँ। चलिए चलते हैं और आज का ब्लॉग यहाँ फिनिश करते हैं, मिलता है आपसे कोई अपकमिंग नेक्स्ट ब्लॉग में।